गुटखा तस्करी में लिप्त माफियों ने अब गुटखे का माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के ट्रकों को जरिया बना लिया है। शनिवार को दिग्रह शहर में उप विभागीय पुलिस अधिकारी के दस्ते और अन्न व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एक संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से लाखों रुपए की कीमत का गुटखा एवं सुगंधित तंबाकू जब्त किया। मालूम हो कि ये पहली वारदात है जिसमें बड़े पैमाने पर गुटखे की तस्करी के लिए ट्रांसपोर्ट ट्रक को उपयोग में लाया गया है। बहरहाल शनिवार की दोपहर नए बस स्टैंड रोड पर अमरावती के विजय ट्रांसपोर्ट से पुस्त रवाना हो रहा ट्रक दिग्रस में पुलिस के हत्थे चढ़ा। देर रात चली जांच पड़ताल के बाद इस ट्रक से 6,72,240 रुपए का माल बरामद हुआ। सूत्रों की मानो तो जांच पड़ताल में यह माल कहां जा रहा था, किसके नाम से यह माल उतारना था, बिल्टी किसकी थी आदि का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में अब पुलिस किस पर कार्रवाई करेगी यह देखना रोचक होगा। बहरहाल उप विभागीय पुलिस अधिकारी तथा सहायक पुलिस अधीक्षक आदित्य मिलखेल के मार्गदर्शन में ट्रैफिक उपशाखा दारवा के अमोल सांगड़े, नितिन वास्टर आदि सहित अन्न व आपूर्ति विभाग के अधिकारी गोपाल माहुरे ने उक्त मामले में जब्ती की कार्रवाई की है और आगे की जांच जारी है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।